गोरखपुर में इंसाफ नहीं मिलने से परेशान एक महिला ने अपने परिवार के साथ डीएम कार्यालय पर एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। महिला ने अपने परिवार के साथ पुतले के रूप में प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदारों ने घर में आकर मारपीट की और विरोध करने पर परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ पीपीगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर महिला पीड़ित परिवार ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कहले रहना तो करे बाद हर हरदम मारत गरियावत लोग बाटा कहला सुल्ला कैदा सुल्ला कैदा घर में हली हली जाता था मारे करते। आपके गांव के हैं? पटदार हैं। आपके पटदार हैं। थाने पे इसकी सूचना आपने दी थी? हाँ दे ले ली, कुछ नहीं सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं, नहीं 25-30 मारदा उनके बाद है। छेड़खानी किए थे आपके लड़की के साथ? हाँ, कह रहे जो सुल्ला नहीं कर भी तो कैसे कर रहे। ये जो लिबास आप पहनी हुई है, ये लिबास के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहती हैं प्रशासन को, आप शासन को क्या बताना चाहती हैं? आपके साथ एक लड़की भी आई है, कौन है वो? पर लड़की बा। वो आपकी लड़की है? हाँ, उसी के साथ छेड़खानी हुआ है? हाँ, नहीं, घरे बाबू। आप थाने पे जा रही है तो आपकी सुनवाई हो रही है कि नहीं? नहीं, नहीं सुनवाई होला। क्या करे पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कहे ना। क्या मामला था? छेड़खानी का। किसकी छेड़खानी, किसके साथ छेड़खानी की? हमारे बहन के साथ, हम लोगों के साथ। आपके साथ कौन थे वो लोग जो छेड़खानी किए थे? और गांव के हैं सब लोग, गांव के हैं। गांव के कौन गांव था? विष्णुपुर टोला। आप लोगों की रिपोर्ट थाने पे भी दी? हाँ दी है। क्या कहा थानेदार ने? थानेदार ने नहीं कुछ कहा है, कहा है कि तुम लोगों का और सुनवाई हो रही है लेकिन हम लोगों का नहीं, हम लोग जाते हैं तो और सुनाना। क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की सुनवाई भी हो, हम लोगों जितने लोग कर रहे हैं। कपड़ों पे जो आप जिस तरीके से लिबास पे लिखवाया है, किस लिए लिखवाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम लोग यही उद्देश्य है कि हम लोगों का सुनवाई हो। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पीड़ित परिवार अब सीएम योगी से गुहार लगा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।